बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब मिलेट्स में आते हैं, कई तरह के मिलेट्स हम ग्रो करते हैं। तो हमने इन पे एक हमने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे, एंड इंडिया विल बी अ वर्ल्ड हब फॉर द मिलेट्स। तो अगर हम आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल डाउन द लाइन, मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, और अगर हम आने वाली बात करें, इट शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू वीट एंड राइस, क्योंकि वीट और राइस दो क्रॉप्स पे वर्ल्ड की डिपेंडेंस होना डेंजरस है। इसमें बाजरा, ज्वार, रागी और भी कई सारे तरह के मिलेट्स आते हैं, हम तो सारे तरह के मिलेट्स ग्रो करते हैं। मिलेट्स में एक एडवांटेज है कि ये छोटा किसान ग्रो करता है, मार्जिनल किसान ग्रो करता है, पैसा अच्छा मिलता है, कैश क्रॉप, अच्छा पैसा मिलता है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन और फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। तो वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए इंडिया का मास्टर स्ट्रोक लगा मुझे मिलेट्स। दूसरा मुझे जो लगा कि यहाँ हर एक की बात थी, स्टूडेंट की बात थी, एडल्ट की बात थी, ट्राइबल की बात थी, यहाँ तो मैं जाऊँ, यहाँ जो जेल में कुछ लोग बंद हैं, हमारे कैदी जो बेचारे छोटे छोटे, जैसे 500 से 5000 तक का बेल अमाउंट है, वो नहीं दे पा रहे, इसलिए लोग, हज़ारों लोग जेलों में बंद हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्टेप उठाई, उनके बेल का पैसा दे के, जो छोटे छोटे क्रिमिनल हैं, छोटे ऑफेंस में बंद हैं, गरीब घरों से आते हैं, परिवार पूछता नहीं, कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए आया। तीसरा मुझे देखा जो मुझे अच्छा लगा, टूरिज्म पे बड़ा बूसा, आरजू जी हमने एक वीडियो भी किया था टूरिज्म पे, तब मैंने आपको बताया था टूरिज्म कितना बड़ा सेक्टर है, और मैंने ये भी बोला था कि आने वाले टाइम में आरजू जी आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। टूरिज्म पे एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर माना गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करेगी, और एक जो 7-8 प्रायोरिटीज बजट थी उनमें से एक टूरिज्म है, क्योंकि टूरिज्म का पोटेंशियल जब हमने आपके लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आने वाले 10-20 ईयर्स डाउन द लाइन विल बी अराउंड $1 trillion। अभी अगर आप ENY के नंबर्स की बात करें, बाई 2045 22 साल बाद आवर इकोनॉमी विल बी $25.8 trillion, ये ENY का नंबर है, ऑफिशियल लोग ने निकाला है। तो टूरिज्म इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर, और अगर आप हम AI की बात करें, 5G की बात करें, उस पर काफ़ी स्ट्रेस आया है, लैब्स खोलने की बात करें, अब हम ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रीन फ्यूल्स पे हमारा काफ़ी स्ट्रेस रहा है, और मैं आपको बता दूँ 2023 के एंड में विल हैव द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन, ये चलेगी शिमला से कालका, पहली ग्रीन हाइड्रोजन की ट्रेन हम चलाएंगे, छोटा ट्रैक है, हेरिटेज ट्रैक, उस पर हम चलाएंगे। और लास्ट टाइम हमने आपके